नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ थाना फूलपुर सीओ फूलपुर कार्यालय व थाना सरायमीर का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें तो 11/7/2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा थाना फूलपुर सीओ फूलपुर कार्यालय व थाना सरायमीर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए। बता दें तो थाना फूलपुर पर थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। पुलिसकर्मियों से लागू किए गए नए कानूनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पेंडिंग विवेचनाओं के संबंध में संबंधित विवेचकों से स्थिति की जानकारी लेकर संबंधित को निर्देश दिए गए। थाना कार्यालय के CCTNS कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नए कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं थाना परिसर में लगाए गए CCTV कैमरों की स्थिति परखी गई। पेंडिंग विवेचनाओं के संबंध में संबंधित विवेचकों से स्थिति की जानकारी ली गई, संबंधित को निर्देश भी दिए गए। वहीं थाना सरायमीर पर थाना कार्यालय के रजिस्टरों के बारे में जानकारी न होने पर प्रभारी निरीक्षक सरायमीर को फटकार लगाई गई। थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा रजिस्टर पूर्ण न करने वाले कर्मियों के OR किए गए। थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। पुलिसकर्मियों से लागू किए गए नए कानूनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पेंडिंग विवेचनाओं के संबंध में संबंधित विवेचकों से स्थिति की जानकारी लेकर संबंधित को निर्देश दिए गए। थाना कार्यालय के CCTNS कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नए कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना परिसर में लगाए CCTV कैमरों की स्थिति परखी गई। विवेचनाओं में पेंडिंग विवेचनाओं के संबंध में संबंधित विवेचकों से स्थिति की जानकारी लेकर संबंधित को निर्देश दिए गए।